है, आज हम बनाएंगे डोनट स्टाइल चॉकलेट केक, जिसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम शुगर पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 50 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 बाउल मिल्क लिया है और जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे हमारा केक उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए। अब हम एक केक टिन लेंगे और उसमें बटर पेपर लगा के उसे अच्छे से ग्रीस करेंगे। एक बाउल लेंगे जिसे कि हम सेंटर में रखेंगे, उसे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ध्यान रखना कि हमारी बाउल केक टिन के सेंटर में ही हो, अदरवाइज हमारी शेप खराब हो जाएगी। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा भी। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखना कि हमारी बाउल ना हिले। देखिए, हमने केक के बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख रखा था और अब हम केक टिन को कढ़ाई में रख देंगे और इसे ढक देंगे और इसे हम 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक टूथपिक लेंगे और उससे चेक करेंगे। देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल कर फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम इस केक को ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में। बटर पेपर रिमूव कर देंगे और बाउल को भी निकाल लेंगे। अब हम केक को सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने केक को सीधा कर लिया है और अब हम इसमें चॉकलेट हर्शीज लगाएंगे और अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैं चोको सिप से डेकोरेट कर रही हूँ, आप अपने तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा केक रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।